हाय ऑल माय ब्यूटीफुल सोल्स, ऑल माय ब्यूटीफुल किंग्स एंड क्वींस। आज की जो आपकी वीडियो है वो इस रिगार्डिंग है कि आप फॉरेन कंट्री कब ट्रेवल करोगे या कब वहाँ जाके सेटल हो पाओगे और आपके वीज़ा कौन सी वीज़ा में आप सेटल हो पाओगे। इस तरीका से ये रीडिंग है कि आप फॉरेन कंट्री कब ट्रैवल कर पाओगे, आपको कौन सी वीज़ा लगेगी, कौन सी कंट्री आपके लिए अच्छा है और आप कब तक सेटल हो पाओगे वहाँ पर जाके या कब तक आपके वीज़ा लगेगी, इसके रिगार्डिंग ये रीडिंग है। तो ये जो रीडिंग है ये बेसिकली एक टाइमलेस वीडियो है। जिस दिन के जिस टाइम से आप देख रहे हो उसी दिन के उसी टाइम से आपके ऊपर एप्लीकेबल होती है। मतलब आज से अगर आप 5 साल के बाद भी देखते हो तो आपके ऊपर एप्लीकेबल है। किसी भी टाइम जोन के लोगों के लिए है और आप चाहे इंडिया में रहो, US में रहो, UK में रहो, चाहे कोई भी कंट्री में आप रहो, आपके लिए है। और बेसिकली ये जो रीडिंग है ये मेल, फीमेल, ट्रांसजेंडर, थर्ड जेंडर, चाहे कोई भी जेंडर के आप हो, आपके लिए ये रीडिंग होती है। तो किसी भी जेंडर के लोगों के लिए ये रीडिंग है। ऑप्शंस के बारे में डिस्कस करेंगे। उससे पहले थैंक यू फॉर सब्सक्राइबिंग माय चैनल। जिन्होंने मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया है, जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है उनको मैं रिक्वेस्ट करूंगी कि काइंडली सब्सक्राइब माय चैनल। वीडियो को लाइक कीजिए, कम्युनिटी पेज के पोस्ट के नीचे में लिखिए और वीडियो के नीचे में लगातार लिखते जाइए ताकि आपको इस तरीका के ब्रेसलेट जो है हीलिंग के ब्रेसलेट फ्री में मिल सके। यहाँ पर सब्सक्राइबर के लिए बहुत अच्छा ऑफर है, हीलिंग के ब्रेसलेट मैं उनको फ्री में देती हूँ। तो अगर वो लोग लगातार चैनल को सपोर्ट करते हैं तो दो ऑप्शन है, एक है ईविल आई के पिरामिड, दूसरा है ये रेकी के साइन वाला जो स्लेट है, यही है दोनों ऑप्शन। तो दोनों में से कोई भी एक ऑप्शन चॉइस करें और मैं क्विकली शुरू करूंगी। आपके जानकारी के लिए मैं बता देती हूँ, एक रून्स रीडिंग हो रही है। दिस इज़ अ रून्स रीडिंग एंड ये एक एंशियंट टेक्निक्स होती है। रून्स जो होती है वो रून्स जैसे कि लगा हुआ या उसके ऊपर चिन्ह दिया हुआ स्टोन्स होते हैं, उसको ले जाके हम लोग रीडिंग करते हैं। तो उसको देख के, तो एक रून्स रीडिंग रहेगी, उसके साथ एक कार्ड रीडिंग भी रहेगी। कार्ड रीडिंग प्लस रून्स रीडिंग से देखेंगे कि कब तक जा पाओगे, कौन सी कंट्री आपके लिए अच्छा है काम करने के लिए, सेटल होने के लिए, कौन सी कंट्री आपके लिए अच्छा है, कौन सी कंट्री आपके लिए अच्छा है, और अगर आप ट्रैवल भी करना चाहते हो तो कौन सी कंट्री आपके लिए अच्छा है, और अगर आप वर्क भी करना चाहते हो या PR लेना चाहते हो तो कौन सी कंट्री आपके लिए अच्छा है और कब तक आप जा पाओगे, इसके रिगार्डिंग करेंगे। आपके पास है 10 सेकेंड्स, काइंडली चूज वन ऑफ द ऑप्शन। चलिए क्विकली शुरू करेंगे। जिन्होंने चॉइस किया था पिरामिड, उनके रून्स रीडिंग में देखेंगे कि कब तक आपके अच्छा है, मतलब कब तक आपके जो है आपके बेसिकली आप बाहर जा सकते हो और कौन सी कंट्री आपके लिए अच्छा है। पहले रून्स के द्वारा करेंगे फिर कार्ड्स के द्वारा करेंगे। मैंने पहले पूछा है कि क्या आपको बाहर जाना भी चाहिए कि नहीं चाहिए, तो इसमें आया है कि बहुत ज़्यादा पॉजिटिव आया है कि आपको ज़रूर बाहर सेटल होना चाहिए। आपके जैसे कि आप जिस किसी भी कंट्री में बाहर से, बाहर मतलब ओवरसीज, आप जिस किसी भी कंट्री में आप भी हो उस कंट्री से ज़्यादा आप फ्लरिश ओवरसीज में करोगे। तो आपको ओवरसीज जाना चाहिए कि नहीं चाहिए, येस येस एंड येस, जो भी कंट्री में आप हो उस कंट्री से निकल के आपको ओवरसीज जाना चाहिए, या जो भी कंट्री में आप पैदा हुए हो उस कंट्री से निकल के आपको ओवरसीज जाना चाहिए। अब रूल्स को दूसरा क्वेश्चन पूछते हैं कि कब तक आप जा पाओगे। तो यहाँ पर आ रही है कि जैसे कि आपके जाने में थोड़ा टाइम लगेगी, एटलीस्ट 1.5 ईयर्स टाइम लगेगी अगर आप सेटल होना चाहते हो तो। अब रूम्स को पूछते हैं कि कब तक आप ट्रैवल अगर करना चाहते हो, सिर्फ टूरिस्ट वीज़ा जैसे बोलते हैं, उसके लिए कब तक जा पाओगे। तो यहाँ पर रूल्स के मुताबिक अगर आप टूरिस्ट वीज़ा में जाना चाहोगे तो बहुत जल्दी ही जा पाओगे। टूरिस्ट वीज़ा जो है आपको एटलीस्ट 3 to 6 मंथ्स में मिल जाएंगी।
आपको हमेशा आप जिस किसी भी कंट्री में हो उससे जो है ईस्ट के तरफ या नॉर्थ ईस्ट के तरफ जो भी कंट्री है उसके तरफ जाना चाहिए। जो भी नॉर्थ ईस्ट के कंट्री रहेगी उस तरफ में आपको ध्यान देना चाहिए। ये रूल्स के मुताबिक है, वहाँ जाने से आप काफ़ी ज़्यादा फ्लरिश कर पाओगे। अब रूल्स रीडिंग हो गया है, आप कार्ड से देखेंगे कि आपको कब तक घर जाना, आपको बाहर जाना चाहिए, घर नहीं बाहर जाना चाहिए, और कब तक आप बाहर जा पाओगे, आपके अच्छा टाइम कब से है, और उसके बाद देखेंगे कि आपके कौन सी कंट्री आपके लिए अच्छा है। February to July, February 2023 to July 2024 का आपके लिए टाइम बहुत अनुकूल है। आप बाहर जा सकते हो, सेटल हो सकते हो, वर्क कर सकते हो वहाँ पर, या PR ले सकते हो। इस तरीका से आ रही है, February to July के बीच का जो टाइम है वो बहुत ज़्यादा अच्छा है आपके लिए। आप देखते हैं कि कौन सी कंट्री आपके लिए अच्छा है। बेसिकली ये बहुत बड़ा कार्ड है, शफल करना थोड़ा मुश्किल है, तो मैं इस तरीका से शफल करूंगी आपके। अब शफलिंग हो गया है, देखते हैं कि लास्ट जो है लास्ट कार्ड क्या है, कौन सी कंट्री अच्छा है। स्पेन, पोलैंड मतलब यूरोपियन कंट्री एंड स्पेन, पुर्तगाल अगेन यूरोपियन कंट्री, डेनमार्क अगेन यूरोपियन कंट्री, पेरू, साउथ अमेरिकन कंट्री, पैराग्वे साउथ अमेरिकन कंट्री। अब थोड़ा और शफल करते हैं। नॉर्वे, ये भी अगेन यूरोपियन कंट्री। तो यूरोपियन कुछ कंट्री आपके लिए आया है, जैसे कि नॉर्वे आ गया, एंड देन आ गया आपके यहाँ पर है पोलैंड, डेनमार्क, एंड आपके आ गया पुर्तगाल। ये चारों कंट्री आपके लिए यूरोपियन कंट्री में अच्छा है बहुत। अगर आप जाते हो स्पेन तो आपके लिए अच्छा है, या साउथ अमेरिकन कंट्री आपके लिए अच्छा है, आप जा पाओगे। पेरू पैराग्वे वो एकदम स्पेशली देखने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन साउथ अमेरिकन कंट्री आपके लिए बहुत अच्छा रहेगी, और आपकी यूरोपियन कंट्री बहुत अच्छा रहेगी, और आपके टाइम अच्छा है February to July, February 2023 to July 2023 के बीच में आपके टाइम काफ़ी अनुकूल है, आप बाहर जा सकते हो। दो तीन कार्ड्स निकाल के देखेंगे। अभी जो है आपके सिचुएशन थोड़ा अप्स एंड डाउन्स चल रहा होगा। आप बहुत दिनों से इसे मैनिफेस्ट करने की कोशिश कर रहे होंगे, लेकिन काफ़ी सारा दिक्कतें आपके डॉक्यूमेंटेशन या कुछ भी तरीका के दिक्कतें आ रही होगी, लेकिन थोड़ी दिन के बाद वो जो दिक्कतें हैं वो ठीक हो जाएगी, और आप बाहर में कंट्री में कोई भी बाहर के ये जो कंट्री यूरोपियन कंट्री, साउथ अमेरिकन कंट्री या स्पेन, इन सब कंट्री में ट्राई कर सकते हो। दूसरे कंट्री में भी आप लाख ट्राई कर सकते हो, लेकिन ये सारे कंट्री आपके लिए बहुत अच्छा है, और आप अगर जाओगे तो अच्छा रहेगी वहाँ पर, और आपके कम्युनिकेशन फील्ड या आपको क्रिएटिव फील्ड में, या जैसे कि कोई गवर्नमेंट जॉब सर्विस या IT फील्ड में कुछ ना कुछ आप अच्छा कर सकते हो, या इंजीनियरिंग फील्ड में आप कुछ ना कुछ जॉब कर सकते हो, मार्केटिंग, HR, बिजनेस डेवलपमेंट, इन सब में अच्छा कर सकते हो। अब जो है आपके दूसरा रीडिंग करेंगे, जिन्होंने चॉइस किया था ये स्केल उनके देखेंगे कि रेकी स्केल जिन्होंने चॉइस किया था उनके रूल्स के द्वारा देखेंगे कि रीडिंग क्या आ रही है, रूल्स आपको क्या कहना चाहते हैं, क्या आप बाहर जा पाओगे, आपके लिए बाहर जाना ठीक है। जी हाँ, अगर आप परमानेंटली भी सेटल होना चाहते हो या वर्क करना चाहते हो या लॉन्ग टर्म के लिए जाना चाहते हो, बाहर जाना, फॉरेन कंट्री जाना, जो भी कंट्री में आप हो, फॉरेन कंट्री जाना आपके लिए अच्छा है, ओवरसीज जाना आपके लिए अच्छा है।
तो कौन सी कंट्री जाना अच्छा है, आप जहाँ कहीं भी रहते हो उससे जाके उसके एग्जैक्टली वेस्ट एंड नॉर्थ इस साइड के जो कंट्रीज है आपके लिए बहुत अच्छा रहेगी। देखते हैं रूम्स रीडिंग में कि कब तक जा पाओगे आप। बहुत जल्द ही चले जाओगे, मुझे रूम्स के मुताबिक अगर जाओ तो आपको एग्जैक्टली 6 to 7 months लगेगी। आपको वर्क वीज़ा या इस तरीका के शायद आप ऑन प्रोसेस में हैं आपके, या आपके जैसे कि 6 to 8 months में जा सकती हो, या स्टूडेंट वीज़ा हो चाहे पढ़ाई करने के लिए ही आप जाओ क्यों ना, या आप ऐसे जाओ तो इस तरीका से अच्छा है। और आपका देखते हैं कि अगर आप ट्रैवल वीज़ा में जाओगे तो कब तक अच्छा है। अगर आप टूरिस्ट वीज़ा मांग रहे हो कोई भी कंट्री का, टूरिस्ट वीज़ा भी वही सेम दिख रहा है, 6 to 8 months में आप जा पाओगे। 6 to 8 months की टाइम दिखा रहे हैं, चाहे स्टूडेंट हो चाहे पीआर हो चाहे कुछ भी हो, शायद ऑन प्रोसेस में ही होगा इसीलिए 6 to 8 months दिखा रहे हैं। आप कार्ड्स के थ्रू देखेंगे कि कब तक आपके लिए, विद इन 4 months, विद इन अ वीक, विद इन 3 weeks, सितंबर। तो किसी किसी लोगों के लिए मुझे लगता है जो लोग टूरिस्ट वीज़ा के लिए देख रहे हो तो उनके विद इन अ वीक और 3 weeks में ही आ जाएगी टूरिस्ट वीज़ा, या 4 months में आ सकते हैं, या कुछ लोग जैसे कि ऑन द प्रोसेस में हो तो विद इन अ वीक या 3 weeks या 4 months में आने की आ रही है, और कुछ लोग शायद अभी तक प्रोसेस शुरू नहीं की हो तो उनके लिए बोला जा रहा है सेप्टेम्बर तक आ जाएगी, तो वो आपके आ रही है। अब देखते हैं कौन सी कंट्री आपके लिए अच्छा रहते हैं। यूरोपियन कंट्री एस्टोनिया, यूरोपियन कंट्री पैराग्वे, कुछ मुझे स्पिरिट गाइडेंस दे रहे हैं कि जैसे कि कनाडा या ऑस्ट्रेलिया आपके लिए बहुत अच्छा है, कि कनाडा के अच्छा है या ऑस्ट्रेलिया के अच्छा है। नंबर्स आपके डेट ऑफ बर्थ आ रही है 7/25 एंड 16 एंड 5/23 एंड 14, 1/10/19 एंड 28, इस तरीका के नंबर्स मेरे सामने आ रही है, शायद आपके डेट ऑफ बर्थ होंगे। डेनमार्क, टोंगा, ये ओशन, ये इंग्लिश यूके के लिए आपके लिए अच्छा है। फ्रांस, फिजी, कोलंबिया, साउथ अमेरिका या अमेरिका आपके लिए अच्छा है, नॉर्थ अमेरिका आपके लिए अच्छा है, अगेन नॉर्थ अमेरिका, अगेन नॉर्थ अमेरिका, यूनाइटेड स्टेट्स आपके लिए अच्छा है। तो ये सारे जो कंट्री है आपके लिए बहुत अच्छा है। कुछ और नंबर्स आ रही है जैसे 9/18 एंड 27 एंड 7/25 एंड 16, मैंने बोला ये 7/25 एंड 16, 3/30/21 एंड 12, ये सारे आपके बर्थडे बर्थ डेट हो सकते हैं। तो ये सारे कंट्री आपके लिए अच्छा है। अब देखते हैं कि कौन सी फील्ड आपके लिए अच्छा है, उन सारे कंट्री में आप जाओगे तो कौन सी फील्ड में काम करने से आपको सक्सेस मिल सकते हैं। आप खुद के बिजनेस वहाँ पर कर सकते हो, शायद मैं देख रही हूँ कुछ लोग, आप लोग शादी करके जाओगे, आपके पार्टनर वहाँ पर होंगे, कुछ
खुद लोग कुछ लोग बिजनेस करोगे, कुछ लोग फाइनेंशियल बैकग्राउंड के साथ रिलेटेड काम करोगे, जैसे चार्टर्ड अकाउंटेंट, कॉस्ट अकाउंटेंट, सीए, इस तरीका के काम करोगे। कुछ लोग जैसे कि मैं देख रही हूँ कोई गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन में काम करोगे, कुछ लोग जैसे कि एफएमसीजी रिलेटेड, फूड बिजनेस रिलेटेड काम करोगे, या एयरलाइन, रेलवे, इस तरीका के ट्रांसपोर्ट, ट्रैवल, या इसी ट्रांसपोर्टेशन के साथ रिलेटेड कुछ ना कुछ काम करोगे। कुछ लोग मैं देख रही हूँ मेडिकल फील्ड के साथ रिलेटेड काम करोगे, जैसे कि नर्सिंग वगैरह हो, इस तरीका के काम करोगे, या प्रोफ डॉक्टर, इस तरीका से फील्ड आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा और इसी फील्ड में आप फ्लरिश भी करोगे। तो इसी के साथ ये रीडिंग कंप्लीट करूंगी मैं। होपफुली आप लोगों को अच्छा लगा है मेरे बारे में। आई एम अ साइकिक मीडियम, आई एम अ टैरो कार्ड रीडर, आई डू टैरो कार्ड रीडिंग इंटुएटिवली। मतलब मैं जब भी टैरो कार्ड रीडिंग करती हूँ, मैं अपने इंट्यूशन को लगा के करती हूँ, और उसके साथ मैं क्लेरोवॉयंट क्लियर ऑडियंट हूँ। क्लेरोवॉयंट कौन होते हैं? जो लोग बेसिकली उनको सब कुछ पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर दिखते हैं। और क्लियर ऑडियंट कौन होते हैं? जो जो लोगों को पास्ट प्रेजेंट मतलब जो लोगों को सुनाई देते हैं, स्पिरिट उनको कंटिन्यूअसली कान में गाइड करते रहते हैं, तो वो लोग हैं क्लियर ऑडियंट। तो मैं क्लेरोवॉयंट एंड क्लियर ऑडियंट हूँ। और मैंने बैचलर्स किया है ऑन डिवाइन स्पिरिचुअलिटी इसी फील्ड में, एकेडमी ऑफ टैरो इंटरनेशनल से मैंने किया है टैरो सर्टिफिकेशन, एंड एंजल सर्टिफाइड एंजल कार्ड रीडर हूँ फ्रॉम टैरो सर्टिफिकेशन बोर्ड ऑफ अमेरिका से। और मैं एक मैंने किया है ओशिशुई रेकी फ्रॉम रेकी एसोसिएशन लंदन, करुणा रेकी फ्रॉम करुणा एंड होलीफाइड रेकी फ्रॉम ICRT यूनाइटेड स्टेट्स, एंड मैंने किया है मैंने इसके साथ किया है इमारा, लामा फेरा, ये सारे मैंने सीखा है। आप इन डिटेल्स के लिए देख सकते हो मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिखा है कबाला एक्सपर्ट हूँ। जेरूसलम से मैंने कबाला सीखा है, 2 साल वहाँ पर बाकायदा रह के मैंने सीखा था। ये मेरे बारे में, कबाला इज़ अ ज्यूविश टेक्निक टू हील पीपल। एंड देन आप लोग के जिन लोगों को फ्री ब्रेसलेट चाहते हो जीतना, उनके लिए मैं बता देती हूँ कि इस तरीका के फ्री ब्रेसलेट एंड फ्री रीडिंग आप बहुत आसानी से जीत सकते हो। कैसे जीत सकते हो? आपको आपको एक्चुअली करना है चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक, वीडियो के नीचे में लगातार लिखना है, और कम्युनिटी पेज के पोस्ट के नीचे में लगातार लिखना है। आपको इस तरीका के ब्रेसलेट जो है फ्री में मिल जाएगी। इसी के साथ ये रीडिंग कंप्लीट करती हूँ। थैंक यू गाइस, हैव अ ब्लेस्ड डे एंड गॉड ब्लेस।